अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो हम लोग मैं क्लास आपको देने जा रहा हूँ वो है पेस्ट टूल के बारे में। ऊपर वाले चार टूल्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए, तो अब मैंने सोचा कि आपको कुछ क्रिएटिव थिंग पढ़ाई जाए, तो बाकी टूल्स भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन जो है पेस्ट टूल आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास में जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलते रहे। उसके अलावा अगर आप हमारे न्यू यूज़र्स हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो मैंने इलस्ट्रेटर की क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो आप उधर से जाके इलस्ट्रेटर डिटेल में सीख सकते हैं। चलो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। पेस्ट टूल का क्या मकसद होता है? पेस्ट टूल एग्जैक्ट जो है आपके क्रॉपिंग टूल के नीचे आता है। पेस्ट मीन्स के जो है ना चीज़ों को जोड़ लगाने या इस तरह करने के लिए पेस्ट टूल को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो पेस्ट टूल का जो यूज़ है, पेस्ट टूल को मैं जब सिलेक्शन कर लेता हूँ तो ऊपर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही थी जो कि पिछले टूल्स में आ रही थी, जो मैंने आपको बताया था ये एडिशन करने के लिए होता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये न्यू बनाने के लिए। तो आपकी चॉइस है जो भी चीज़ आप करना चाहें। और इधर ऑप्शन मेरे पास आ रही होती है सोर्स की और डेस्टिनेशन की। सोर्स का और डेस्टिनेशन का क्या मकसद है? सबसे पहले मैं इस इमेज पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर एक और इमेज मैंने एग्जांपल आपके सामने रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि पेस्ट टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सोर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ पैच पे नहीं रखना, आपने जो भी नॉर्मल पे नहीं रखना, इसको जो है ना कंटेंट अवेयर पे करना है। कंटेंट अवेयर का क्या फ़ायदा होगा, ये जो है ना चेंजेस करेगा एक्जैक्टली जिस तरह आप मांग रहे हैं। तो आपने जस्ट इसको सिलेक्शन कर लेना है और जो आपका फेस सही है जगह उधर जाके इसको रख देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो इधर था वो एग्जैक्टली इधर से इस जगह पे इसने कॉपी करके कर लिया। तो आगे आपने क्या करना है, मैंने ये चीज़ भी रिमूव करनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट पैच को ही सिलेक्शन रखूँगा और इसको इसके मुताबिक लिटल वेट मूवमेंट कर दूँगा ताकि जो भी पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। उसको सही तरह सेलेक्ट करके इस तरह थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और क्योंकि डिटेल में जब भी आपने काम करना था पिक्चर एडिटिंग में, तो आप ये याद रखें कि आपने जूम में काम करना है, अदरवाइज़ जब आप बना लेंगे फिर उसके बाद कहेंगे यार ये क्या चीज़ बन गई, तो फिर मज़ा नहीं रहता, फिर आपसे को बार बार मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से डिटेल में चीज़ को लेके आना है। और ये देखें इसकी लाइट कम है, डार्क लाइट है, ऊपर लाइट शेड है। अगर मैं इसको लाइट शेड पे करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, हमें इसके ऐसा लगेगा कि किसी ने एडिटिंग की हुई है। तो इस वजह से डार्क को हमेशा मैं डार्क पे करूँगा, इसको जस्ट सिलेक्शन कर लेना है और इसको इस तरह ले आऊँगा। डार्क साइड को डार्क पर इधर थोड़ा सा पैच ज़्यादा ख़राब लग गया है, तो इसको मर्ज करने के लिए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद ये लाइट शेड है हमारे पास, इसको मैं लाइट शेड पे ही फेंकता हूँ और इसको लिटिल बिट इसके साथ मर्ज कर लेता हूँ। ओके, ताकि बुरा ना लगे। ओके, नेक्स्ट ये रह गया हमारे पास, इसको मैंने कर दिया, इसमें लाइट ज़्यादा है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा लाइट शेड दे दिया। मोर जूम कर लेते हैं और इसको इस जगह से, इसको इस जगह से लाइट देते हैं, इसको इस जगह से पैच, तो इस जगह से। ओके, जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो आपके सही फेस की जगह होगी उसे लेके उस पर, जो आपकी फेस की सही जगह होगी उस पर, ख़राब जो फेस की जगह होगी उस पर ड्रॉप कर, उससे ड्रॉप कर देना। ये देखें,
तो ये आप देख सकते हैं फेस बिल्कुल क्लियर हो गया है। जस्ट ये वाली ऑप्शन हमारे सामने रह गई है थोड़ी सी, इसको भी थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट हमने दे दिया। तो इसकी ओरिजिनल इमेज आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने तो इसकी कॉपी नहीं ली, कॉपी ज़रूर लेनी है कंट्रोल जे करके आप लोगों ने। मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखा सकता हूँ, तो ये है इसकी ओरिजिनल इमेज, कितनी बुरी हालत है फेस की। और हमने ये एडिट करके आपके सामने आप रख दिया। उसके अलावा मोर डिटेलिंग में भी थोड़ा सा एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पैच टूल जो है ना आपको ये डिफरेंस देता है कि जो है आपने चीज़ों को सही करना है। नेक्स्ट इमेज जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है ये वाली इमेज। इसको मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है और इसको पकड़ के ड्रैग करके अपने फोटोशॉप पे ले आऊँगा। तो अब कंटेंट अवेयर के बाद मैं आपको नॉर्मल पे काम करना सिखाऊंगा कि नॉर्मल पे आपने कैसे करना है। नॉर्मल में भी सेम टू सेम कंटेंट अवेयर की तरह ही काम होता है, लेकिन ये है कि उसमें बैकग्राउंड का ध्यान रखता है, इसमें वो बैकग्राउंड का वो नहीं इतना वो रखता। तो ये आप देख सकते हैं कि लीव्स मैं रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जी करता हूँ और कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि हमारे पास बैकअप हो, और जस्ट लीव्स पकड़ के रिमूव कर देता हूँ। मीन्स कि ये पैच टूल बहुत मज़े का टूल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ़ोटो एडिटिंग के लिए। ये इससे फ़ोटो एडिटिंग करके फिर उसमें थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई करके मैं जो है आराम से बेस्ट काम कर सकता हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं, इसको यूज़ करें, बहुत मज़े का टूल है। तभी मैंने इस क्लास में आपको ये सिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूवल का सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी लास्ट क्लास तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूवल का, तो आप उधर से जाके सीख सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ ये चीज़ भी आपके जहन में आ जाए कि यार आप अगर आपके फेस में कोई पिंपल है या कुछ भी है, बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ आप वो चीज़ भी करते रहें, रिमूव करें और सुकून से काम कर सकते हैं। सेम कलर का, सेम कलर के साथ हमने वो पैच बनाना है। ये थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो गया है, तो तभी मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जूम करके इसको आपने बना लेना है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा कलर्स के साथ मर्ज ना करें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज थी और ये हम लोगों ने एडिट की इमेज। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो पैच टूल बहुत मज़े का टूल है, इसको यूटिलाइज करें। अब सेकंड ऑप्शन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है डेस्टिनेशन की। डेस्टिनेशन का क्या सीन है, आप तो ये सोच रहे होंगे ये तो सोर्स मैंने किया, तो डेस्टिनेशन का क्या सीन है। कंट्रोल जे मैं कर लेता हूँ इसको और इसको नीचे ले आता हूँ इसके, या और इसको ऑन करके लॉक कर लेता हूँ और इसको हाइड कर लेता हूँ। तो डेस्टिनेशन का क्या सीन है, डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन फर्ज करें, ये डेस्टिनेशन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ओवरऑल डेस्टिनेशन मैंने सेलेक्ट कर ली और डेस्टिनेशन पे जाके सेलेक्ट किया और इस जगह पे जाके रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने फर्स्ट सेलेक्ट की वही चीज़ आपके आगे भी होगी, जो चीज़ मैंने फर्स्ट सेलेक्ट की वही चीज़ आगे मैं मूव कर ली। तो ये आपकी चॉइस है कि पहले सेलेक्ट करो या बाद में सेलेक्ट करो, लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि डेस्टिनेशन यूज़ करने से पहले आपको वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन जो है वो आपकी चॉइस है, क्योंकि कलर आपने मर्ज करना होता है तो उसके लिए आपको लाइट के साथ खेलना पड़ता है। तो इस वजह से सोर्स के साथ ज़्यादा काम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डेस्टिनेशन के। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल इमेज है हमारे पास और ये हमने डेस्टिनेशन के थ्रू ये काम किया। तो ये थी सिंपल सी पैच टूल की क्लास। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो कमेंट पे अपनी राय देना ना भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट पे कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से ही है, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको ट्यूटोरियल्स के साथ साथ आप लोग जो भी काम करते हैं वो साथ साथ दिखा सकें, और मैं आपको गाइड कर सकूं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको उस ग्रुप में गाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।